अगली खबर नेताओं से जुड़ी हुई है, जहां दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ शनिवार से गुजरात के दो दिवसीय दौरे पर जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान शनिवार दोपहर दाहोद जिले के नवजीवन कॉलेज परिसर में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद दोनों नेता वडोदरा में आप द्वारा आयोजित में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। वहीं रविवार को दोनों नेता वलसाड जिले के धर्मपुर और सूरत के कडोदरा के रैली को संबोधित करेंगे। आपके राष्ट्रीय महासचिव मनोज सोरठिया ने कहा है कि वे सामाजिक नेताओं से भी मिलेंगे और आगामी चुनावों की योजनाओं के बारे में राज्य के नेताओं के साथ एक अहम बैठक भी करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल गुजरात चुनाव को लेकर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और वह करीब हर 10 दिन में एक बार गुजरात का दौरा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी अरविंद केजरीवाल गुजरात चुनाव को लेकर भाजपा पर हमला बोल रहे हैं। दो दिन पहले ही केजरीवाल ने दावा किया था कि गुजरात के प्रत्येक जिले में भाजपा ने एक सीएम या एक केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी लगाई है। उन्होंने इसे भाजपा का डर बताया था। केजरीवाल ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि गुजरात के लोग तेजी से आपका दामन थाम रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि खबर है कि गुजरात के प्रत्येक जिले में भाजपा एक एक केंद्रीय मंत्री या किसी सीएम की ड्यूटी लगा रही है। उन्होंने कहा, बाप रे इतना डर, ये डर आम आदमी पार्टी का नहीं है, ये डर गुजरात के लोगों का है जो भाजपा से काफी नाराज थे और अब तेजी से आपका दामन थाम रहे हैं।